हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एसी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ हम यहाँ पे इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी यहाँ पर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पर बाइंग करके एक बहुत अच्छा टारगेट आप गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी सभी को लग रहा है यहाँ पे और सभी को दिख भी रहा है कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ अच्छा बाउंस बैक स्टॉक के अंदर आया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अप मूव जो है या जो बाउंस बैक चल रहा है कब तक रहेगा, क्या इसके अंदर कोई रिवर्सल भी आ सकता है? तो फ्रेंड, अपन यहाँ पे टेक्निकली डिस्कस करते हैं, इसके अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी और आपको फंडामेंटली भी बताने की कोशिश करेंगे कि कितना पोटेंशियल इस स्टॉक के अंदर अभी फिलहाल बचा हुआ है। तो फ्रेंड, ये वाले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, जहां पर मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, इस वाले पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि 122 का ये लेवल है जहां पे से स्टॉक क्या हुआ था, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ था। और जब नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ था तो कहां तक ये नीचे गिरा था, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 93 पॉइंट तक क्या हुआ था, नीचे की तरफ आ गया था। 93 तक नीचे उतरने के बाद स्टॉक जो है वापस से ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होता है और यहाँ पे 100 के लेवल को टच करने के बाद स्टॉक क्या करता है, फिर से नीचे की तरफ मूव करता है। ये देखिए 100 का लेवल जहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ बनाया है इसको, फिर नीचे की तरफ स्टॉक गया, लगभग 100 के लेवल के आसपास फिर से क्या करता है, यहाँ पे टच करता है। मतलब 105 से फिर 100, ये 100 के लेवल पे घूम रहा है, 100 से लेकर के 105 के लेवल के बीच में क्या हुआ, इसने यहाँ पर दो बार टाइम स्पेंड किया है। ये देखिए फिर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन अब 100 के लेवल को नीचे तोड़ते हुए और 200 दिनों के मूविंग एवरेज तक यहां पर सपोर्ट ले लेता है। जैसे ही 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, स्टॉक की एक नई रेंज बन जाती है, स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, वो 90 रुपए का लो लगा देता है। अब ये जो रेंज बनी है इसको हम यहां पे इस वाले आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पे रेक्टेंगल मैंने बनाया है, यहां पे गैप भी हुई है, यहां से स्टॉक नीचे की तरफ उतरा है। आप देख सकते हैं कहां पे, 90 रुपए तक। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए अब 90 पे स्टॉक आया है, उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ गया है और ऊपर की तरफ कहां तक गया तो आप देख सकते हैं 100 के भी ऊपर लगभग 101 102 के लेवल को यहां पर स्टॉक ने टच किया है। वापस स्टॉक नीचे आता है, अब एक लाइन चल रही है उसके अंदर स्टॉक आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब ट्रेंड लाइंस चल रही है, दोनों की ट्रेंड लाइन के बीच में स्टॉक क्या कर रहा है, काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैं आपको रेव के माध्यम से बताने की कोशिश भी कर रहा हूं। फ्रेंड, फिर स्टॉक नीचे की तरफ आया है और स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी ऐसा लगता है स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा, तो यहां से लगभग 120 के लेवल तक स्टॉक जा सकता है, लेकिन वहां से फिर से एक रिवर्सल आने के चांस है। जिस तरीके का पैटर्न बना है वहां पे फिलहाल अभी ऐसा लगता है कि यहां तक ऊपर जा करके स्टॉक एक बार फिर रिवर्सल लेगा, और अब जो रिवर्सल आएगा वो ज्यादा नीचे नहीं आएगा, लगभग 112 113 के लेवल पे अपन मान सकते हैं। वहां तक आने के बाद स्टॉक में फिर से अगर बाउंस बैक आता है तो 122 का जो लेवल है पुराना वाला, इसको हमें रडार पर रखना होगा। ये लेवल अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट देके ऊपर जाएगा, लेकिन यदि यहां पर टच करके सपोज स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ गया और यहां पे टच करके स्टॉक अगर नीचे फिर से लौट आता है तो फिर तो स्टॉक क्या करेगा, उसी रेंज में घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आपको इस रेंज को ध्यान रखना है, इस वाले जो ट्रेंड चल रहा है इसको ध्यान रखना है जब तक ये बेंड नहीं हो जाता। अभी ये ट्रेंड अच्छा चल रहा है, ये ऊपर की तरफ बेंड होगा तो स्टॉक ऊपर मूव करेगा, वो नीचे की तरफ बेंड होगा तो स्टॉक नीचे भी जा सकता है। तो फ्रेंड, बहुत ही अटेंशन के साथ आपको इसके अंदर काम करना होगा। अभी 122 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। अगर 120 का लेवल ऊपर ब्रेक होता है, 122 का लेवल ऊपर ब्रेक होता है और सस्टेन करता है तो आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं, और वहां पर अगर एंट्री करेंगे तो आपका जो टारगेट रहेगा 135 रुपीज का रहेगा और जो स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है वो 115 रुपए का आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड, टेक्निकली मैंने आपको सारी चीजें यहां पर बता दी है, अब हम चलेंगे फंडामेंटल पे। फंडामेंटल के लिए मैं आपको लेकर के आ गया हूं ट्रिकर टेप पे। तो फ्रेंड देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका प्राइस अभी 116 रुपए 10 पैसे पे चल रहा है, यहाँ पे इसकी इंसेंट्रिक वैल्यू और बाकी सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, अभी इंसेंट्रिक वैल्यू बताई जा रही, करंट प्राइस इज लेस देन द इंसेंट्रिक वैल्यू, मतलब अभी आपको सस्ते भाव में स्टॉक मिल रहा है। बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस एफडी रेट की, तो एफडी के कंपेयर में आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है स्टॉक में अभी तक फिलहाल। यहाँ पर अगर देखा जाए डिविडेंड भी अच्छे ऑफर नहीं किए जाते, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक डजंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड। एंट्री पॉइंट अच्छा माना जा रहा है, स्टॉक इज नॉट इन ओवरबोर्ड जोन, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर एंट्री आराम से कर सकते हैं। बात करें रेड फ्लैग की, तो कोई भी रेड फ्लैग इसके अंदर फाउंड होता हुआ दिखाई नहीं देता, स्ट्रॉन्ग बैंक है ये, बहुत ही अच्छा बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। फोरकास्टिंग का डाटा भी जान लेना चाहिए कोई भी एंट्री करने के पहले। तो फ्रेंड, क्या फोरकास्टिंग का डाटा निकल के आ रहा है उसको हम अभी जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेकर के आ गया हूँ आपको फोरकास्टिंग डाटा पे। फोरकास्टिंग के डाटा की अगर बात करें तो एनालिसिस जो है उनकी जो रेटिंग है उसमें 81% एनालिसिस आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको इसके अंदर बाइंग की पोजिशन बनाना चाहिए, और ये कोई एक दो एनालिसिस की कवरेज नहीं
नहीं है, यहाँ पे 32 एनालिस्ट की ये कवरेज है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, प्राइस अप जा चुका है और प्राइस अप डाउन डेली होता है, लेकिन इन्वेस्टर की जो एनालिस्ट की राय है वो डेली चेंज यहाँ पर नहीं होती है। तो यहाँ पे जो एनालिस्ट की राय है ये थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन हाँ जब तक ये राय बेंड नहीं हो जाती, मतलब यहाँ पे कि कोई स्टॉक के अंदर ट्रेंड का बेंड नहीं होता जब तक ये राय वही कायम रहती है, तो फ्रेंड फोरकास्टिंग के डाटा के अकॉर्डिंग अभी इसके अंदर अच्छा बल दिख रहा है मुझे, यहाँ ऊपर की तरफ जा सकता है स्टॉक। फाइनेंशियल को देखने की सकते हैं, फाइनेंशियल किस तरीके का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल में अगर देखा जाए तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दिया है और इंक्रीज हुआ है मार्केट शेयर में। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू जो है स्टॉक का वो यहाँ पर ये देखिए 60,793 करोड़ रुपए से बढ़ के 91,086 करोड़ हुआ है, फिर 89,056 यहाँ पे हुआ उसको, लेकिन 87,000 अभी फिलहाल चल रहा है जो कि कम ही माना जाएगा क्योंकि 2020 में इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नेट इनकम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट इनकम में किस तरीके का इजाफा या फिर बढ़त या घटत देखने को मिली है। 1,100 करोड़ की नेट इनकम 2019 में, 927 करोड़ रुपये की नेट इनकम आपको दिखाई दी है 2020 में, 1,547 करोड़ की नेट इनकम जो कि अच्छी नेट इनकम मानी जाएगी 2021 में, और सबसे बढ़िया जो नेट इनकम मुझे दिखाई दे रही है 7,850 रुपये के लगभग की नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो कि एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल यहाँ पे क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड इसके बाद हम चलते हैं होल्डिंग पैटर्न की तरफ, होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का इसका दिखाई दे रहा है उस पर नजर डालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कितनी क्वांटिटी डिलीवर की जा रही है, तो इसके अंदर यहाँ पे पोटेंशियल ऊपर की तरफ जाने का या नीचे का ये आपको अभी क्लियर होकर मालूम पड़ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं होल्डिंग पैटर्न, होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो क्या है कॉन्स्टेंट चल रही पिछले 6 महीनों से। बात करें अगर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग की तो यहाँ पे इंक्रीज किया है म्यूचुअल फंड ने, म्यूचुअल फंड ने अगर इंक्रीज किया है मतलब स्टॉक ऊपर की तरफ जाने का पोटेंशियल यहाँ पर रखता है। इन लास्ट 3 मंथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग इज द कंपनी इंक्रीज बाय 1.73%, लगभग 2% आप मान सकते हैं इसके अंदर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग इनसिग्निफिकेंस है और FII की जो होल्डिंग है वो कॉन्स्टेंट चलती हुई दिखाई दी है पिछले 3 महीनों की यहाँ पर बात हो रही है। फ्रेंड पूरा होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 63% जो कि एक अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास भी 11.66, लगभग 12% का माल म्यूचुअल फंड के पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 5.19% की होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करें FII की तो 8.23 की और रिटेल एंड अदर की 10.95% की होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कितनी क्वांटिटी डिलीवर की गई और कितनी ट्रेडेड क्वांटिटी। यहाँ पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पर, और NSE की वेबसाइट पर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ मैंने बता रखा है आपको क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 3,24,83,787, उसके अंदर से डिलीवर हो गई है कितनी 1,04,46,121, लगभग 32% जो क्वांटिटी है यहाँ पर डिलीवर होती हुई नजर आ रही है। अब आप एक बात पे गौर कीजिएगा कि ये जो मैंने आपको बताया है इसमें जो ट्रेडेड क्वांटिटी उसके कंपेयर में डिलीवर क्वांटिटी क्या है यहाँ पे अच्छी खासी है, 30% के ऊपर अगर डिलीवर क्वांटिटी होती है तो इसे अच्छा माना जाएगा। साथ में ये जो ब्रैकेट लिखा है इसको आप पढ़िए, इसमें क्लियर लिखा है कि यदि द हायर द परसेंटेज ऑफ द डिलीवरेबल क्वांटिटी टू द ट्रेडेड क्वांटिटी इज द बेटर इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द बायर एक्सपेक्टिंग द प्राइस इज शेयर टू गो अप, मतलब ज्यादातर इन्वेस्टरों की सोच है कि इसका प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है हमको, ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। बाइंग प्राइस जो मैंने आपको बताया है यदि ऊपर की तरफ अभी जाता है और 122 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो आप 135 रुपए के टारगेट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।